10 सितंबर को प्रियंका गांधी की राजस्थान में सभा, टोंक जिले निवाई में होगी विशाल जनसभा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजन है, पहले 9 सितंबर को वेणुगोपाल आएंगे जयपुर और इसके बाद कांग्रेस की नवगठित कोर कमेटी की बैठक लेंगे। पीसी चीफ डोटासरा तैयारियों में जुटे हैं। आपको जानकारी दे दें कि बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा प्रियंका गांधी का, याद होगा किस तरह से हिमाचल प्रदेश में जब चुनाव हुए थे तो प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की मजबूत पिलर बन के आगे आई थी और फिर ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां प्रियंका गांधी की ओर से की गई थी। खासतौर पर उन चुनाव में भी जिक्र रहा था सरकार की योजनाओं का जो राजस्थान में लाई गई है। अब कोशिश यही है कि चुनाव में एक बार फिर से सरकार की योजनाओं को आगे रखा जाए। कांग्रेस की नवगठित कोर कमेटी की बैठक लेंगे इससे पहले जब वेणुगोपाल आएंगे। पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा तैयारियों में जुटे हैं। 9 सितंबर को वेणुगोपाल जयपुर आएंगे और क्योंकि विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन इस लिहाज से शुरू हो गया है क्योंकि अब बेहद कम वक्त रहा है और दोनों ही पार्टियां ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार में अब जुटी हुई हैं अपने अपने अंदाज में। एक ओर जहां बीजेपी परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाल रही है, चारों दिशाओं में रवाना कर दिया गया है यात्रा को, अब कांग्रेस पार्टी की भी यही कोशिश है कि किसी तरह से एक बार फिर से सत्ता में वापसी की जाए क्योंकि एक तरह से ऑक्सीजन कांग्रेस पार्टी को मिला था जब नतीजे आए थे कर्नाटक चुनाव के, हिमाचल चुनाव के और अब राजस्थान में भी उसी तरह से गढ़ जीतने की कोशिश। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। योगेश जी, जानकारी दीजिएगा, प्रियंका गांधी बीजेपी के स्टार प्रचारक जिस तरह से पीएम मोदी है, कांग्रेस पार्टी की स्टार प्रचारक मानी जाती है, जानकारी दीजिएगा उनके टोंक जिले निवाई में विशाल जनसभा को लेकर। देखिए, प्रियंका गांधी का राजस्थान का दौरा फाइनल हो चुका है। प्रियंका गांधी राजस्थान आ रही है। 9 तारीख को प्रियंका गांधी की निवाई में जनसभा का कार्यक्रम रखा गया है। निवाई में बड़ा कार्यक्रम प्रियंका गांधी का होगा, वो संबोधित करेंगी जनसभा को। निवाई से कांग्रेस के MLA हैं प्रशांत बैरवा और इससे पहले 9 तारीख को ये कहा जा सकता है कि KC वेणुगोपाल का राजस्थान दौरा हो गया क्योंकि वेणुगोपाल राजस्थान के और वो कांग्रेस नवगठित देंगे ये जो दौरा होता है और इस तरह से प्रियंका गांधी का दौरा तय हुआ है। वेणुगोपाल प्रियंका गांधी के आगमन से एक दिन पहले यहाँ जब पहुंचेंगे तो इनको मिलाकर कहा जा सकता है 4 सितंबर को प्रियंका गांधी आ रही हैं और 8 तारीख को किसी वेणुगोपाल जयपुर आ रहे हैं। योगेश जी, एक और जानकारी दीजिएगा क्योंकि अब टोंक जिले में ये सभा रखी गई है, क्या लगता है अगर सीटों के गणित के लिहाज से बात करें कांग्रेस पार्टी का फोकस अधिकतर किन सीटों पर आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, कहा जा सकता है शिखा की प्रियंका गांधी कांग्रेस का अक्सर की चेहरा, प्रियंका गांधी वाड्रा आपको ध्यान ही है कि स्टार प्रचारक है कांग्रेस पार्टी की। उत्तर प्रदेश में उन्होंने चुनाव के अंदर काफी जनसभाएं की थी, पूरा उत्तर प्रदेश में चुनाव में कांग्रेस की वो पूरी थी और राजस्थान में भी पहले भी प्रियंका गांधी का आगमन हुआ है कई मरतबा, लेकिन अब वो चुनावी प्रचार का आगाज करेंगे। इस समय चुनावी शंखनाद प्रियंका गांधी करेंगी। कह सकता है कि टोंक जो जिला है जहाँ से सचिन पायलट भी टोंक से विधायक है तो वहाँ का निवाई क्षेत्र चुना जाए, जयपुर के नजदीक है निवाई और कहा जा सकता है कि एक बड़ी जनसभा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा और सुखजिंदर रंधावा समेत तमाम लीडर्स मौजूदगी मिलने वाली है। तो एक बड़ी जनसभा और इसकी तैयारियों के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अपनी टीम को, तमाम पदाधिकारियों को, नेताओं को निर्देश जारी कर दिए हैं और जल्द ही पूरे कहा जा सकता है कि तैयारियों को अमली जामा तैनात किया जाएगा। बिल्कुल योगेश जी, बहुत शुक्रिया आपका मैसेज जुड़ने के लिए और जानकारी।